अरे मेरे लिए कोई मसाले वाली चाय लाएगा? टप्पू के बच्चे, तुझे तेरी टीचर ने थोड़ी और देर रख लिया था ना स्कूल में, तो बेटर होगा। कब? सुमन, कौन आया है? अरे तुम्हारा कोई नाम है या नहीं? मेरा नाम श्रवण है। मैंने कहा था आए तो दरवाजा बंद कर देना, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं। माफी मांगने आए हो तो चले जाओ। मैं आपसे कोई माफी मांगने नहीं आया। कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई है कि वो जो शतरंज की गेम अधूरी रखी है वो आप जीतने वाले हैं। आपने ही कहा होगा आपको हरा कर लोगों की बस वही गलत फहमी दूर करने आया हूं। सुमन, क्या हुआ नानू? बेटा वो चेस बोर्ड साफ करके जरा यहां रख दे। साहब मुझे हराने आए हैं। Confidence. नहीं, कॉन्फिडेंस। व्हाइट था या ब्लैक, कुछ याद भी है? ब्लैक। नानू को हराएगा कौन? सुन, अब दोबारा कभी नहीं आएगा चेस खेलने। अच्छा चाल तुम्हारी थी या मेरी, याद है या 10 साल पहले की हर बात भूल गए? चाल मेरी थी और मुझे 10 साल पहले की हर बात याद है। एक शर्त है, अगर आज तुम हार गए तो रोज मुझे मिलने के लिए तुम्हें यहां आना पड़ेगा। ऐसा होगा तो नहीं, और हुआ तो आपकी शर्त मंजूर है। गुड, तो चलते हैं। अभी सुमो ये क्या कर दिया तूने? अरे मैं कहां कभी कुछ खरीदते वक्त प्राइस देखती हूँ। 25-30 लाख की साड़ी थी, इतनी चीप। मम्मी जी मैं कब से आपका वेट कर रही थी? आपको भी लगा था कि वो मजाक कर रहा है? मजाक नहीं कर रहा था, ये बात मुझे पता है, पर एज अ फैमिली हम सबको ये बात पता होनी चाहिए। वी आर ऑल अ फैमिली, ऐसे थोड़ा ना होता है। दिस इज नॉट डन। अगर मैं वैंडी पुत्र, वैंडी पुत्र प्लीज, क्या हो गया, किसने क्या कह दिया जो तू इतना जल्दी जल्दी बोल रही है? रुक जा, सांस तो ले। ब्रीथ आउट। टेल मम्मी जी, श्रवण, श्रवण झूठ बोल रहा है। झूठ? क्या क्या? मम्मी जी, ब्रेकफास्ट के टेबल पे उसके मुंह से निकला था ना कि वो नेक्स्ट वीक लंदन जाएगा। बड़े पापा को उसने बोला था ना? आगे भी तो बोल, क्या बात क्या है? मम्मी जी मैंने खुद अपने कानों से सुना है, वो किसी से फोन में बात कर रहा था, शायद लंदन के ऑफिस में किसी से बात कर रहा था। फिर क्या? मम्मी जी उसका टिकट हो चुका है, वो नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा है। मम्मी जी हमें बड़े पापा को बता देना चाहिए ना, वो इंडिया सिर्फ 1 वीक के लिए आया था। क्यों? क्यों? मतलब हाँ बता, कुछ नहीं बताना, किसी से कुछ मत कहना। क्यों नहीं बताना मम्मी जी? क्योंकि क्योंकि वाडी पुत्र देख, श्रवण एक प्लान बना के आया है, तो उसे उसके प्लान के मुताबिक चलने देते हैं ना, हैं? देख मान ले हमने किसी से, बड़े पापा से, बड़े भाई साहब को हमने बता दिया, तो वो उसे रोक लेंगे। फिर श्रवण वो नहीं कर पाएगा जो वो करना चाह रहा है। नहीं? Yeah, right.
तो श्रवण यहाँ आया है 1 वीक के लिए, 7 दिन, 8वें दिन वो यहाँ नहीं रहना चाहिए, करेक्ट? चेकमेट रा दिया मैंने। सुमन मैं जीत गया। बड़े आए थे लंदन रिटर्न लोगों की गलतफहमी दूर करने, हो गई गलतफहमी दूर। ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क समझ में आ गया? अब तू ध्यान रखना, इसे 10 दिन रोज आना है यहां मेरे साथ शतरंज खेलने। हारा है ये मुझसे। अगर मेरी हार से आपको इतनी खुशी मिली है नाना जी, तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। चलता हूं नाना जी। अरे ऐसे कैसे, चाय आई है, खाना खाया तूने? मुझे पता है तू लेट हो गया, लेकिन खाना इसने बड़ी मेहनत से बनाया है। अब जी खा लिया इसने। अच्छा कैसा लगा? अच्छा। और वो सेब की सब्जी इसने स्पेशल तेरे लिए बनाई थी, कैसी लगी? बहुत अच्छी। हाँ अरे बाहर तो अंधेरा हो गया है, बाजी में पता ही नहीं चलता टाइम का। तो मैं निकलता हूँ ना जी। अरे पर बाकियों से मिला तू? वो रचना और मंजू बहुत उतावली हो रही थी तुझसे मिलने के लिए। जी वो अभी तक लौटे नहीं, बाहर गए। हाँ तो ठीक है, तू थोड़ी देर रुक जा। ना जी मैं लेट हो रहा हूँ, कल मिल लूंगा। हाँ वो भी ठीक है, कल तो तू आ ही रहा है ना। हाँ सुमन तू इसे छोड़ने जा, और देख गेट की लाइट का कनेक्शन खराब है, किसी को यहाँ परवाह ही नहीं ठीक करवाने की, तू टॉर्च ले जा। नाना जी मैं चला जाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है तू, बाहर फिसलन है, कहीं गिर कर आ गया तो रामनाथ क्या कहेगा? सुमन मैंने क्या कहा? जी बाहर तक छोड़ा। हाँ और टॉर्च ले जा। जी जा। जी नाना जी। बड़ी सर्द हवा है, जैकेट ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तुझे भी होश का। सुमो फिर से तो मत कीजिए तू, आज इसके सामने तो बिल्कुल नहीं। श्रवण श्रवण आई एम सॉरी। क्यों?
मैंने जो किया था तुम्हारे साथ तब जब हम स्कूल में थे, तुम्हारे लंदन जाने से पहले, मैंने जिस तरह से बिहेव किया था स्कूल में, क्या हुआ था? मैंने तुम्हें जिस तरह से, ये सब 10 साल पुरानी बात है, अभी तक वहीं अटकी हुई हो तुम? इन 10 सालों में और कोई काम नहीं था क्या? Look, I moved on. So should you. Move on? हाँ, actually, तुम ठीक कह रहे हो. मुझे भी ठीक से याद नहीं. तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं. वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी. कोई बड़ी बात नहीं थी. मूव ऑन. मुझे भी बहुत काम है. मैं बताती हूँ मूव ऑन किसे कहते हैं. इतनी देर कैसे लगा दी? क्या बातें करने लग गए थे दोनों दोस्त मिलकर? उससे क्या बात करती, मैं तो कप का छोड़कर अंदर आ गई थी. आपके लिए चरणप्राश और दूध लेने गई थी. इतने सालों बाद दिल्ली आया है, ठीक से छोड़ आई ना उसे? ठीक से? मैं कोई बॉर्डर पार थोड़ी ना करवाने गई थी. नानू, अब वैसे भी वो बच्चा नहीं रहा, कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया. मेरा मतलब बड़ा हो गया. दुनिया के लिए बड़ा हो गया होगा, मेरे लिए तो वो अब भी वही श्रवण है. याद है मुझे, तू और वो दोनों मिलकर कितना उदम मचाते थे. तो आपके लिए बेटर होगा नानू कि आप भी समझ जाए कि अब वो श्रवण ही रहा. ही इज मूव्ड ऑन, लाइफ में आगे बढ़ गया. तो नानू आप भी प्लीज मूव ऑन कीजिए. रात बहुत हो गई है, सो जाइए. सब 10 साल पुरानी बातें हैं, अभी तक वहीं अटकी हुई हो तुम. इन 10 सालों में और कोई काम नहीं था क्या? Look, I moved on. So should you. तुम ठीक कह रहे हो. मुझे भी ठीक से याद नहीं. तुम्हें देखा तो सोचा कि सॉरी कह दूं. वैसे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी. मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी. टीचर्स का फेवरेट पपी. आई हेट दीज यस सर टाइप बॉयज. मी टू यार. चलो चलते.
तुझे सच में मुझ जैसे लड़के पसंद नहीं है? क्या सेंडी मार रहा है? मैं तो बस ऐसे ही कह दिया था, आगे स्कूल में भी मेरी कोई इमेज है, उसे भी तो मेंटेन करनी होती है। मुझे पता है तो अपनी इसी इमेज की वजह से स्कूल में मुझसे बात नहीं करती, पर किसी दिन मुझे जरूरी बात करनी हुई तो देख तू सिर्फ दिखता बेवकूफ है, लेकिन पूरी स्कूल में ना सबसे इंटेलिजेंट, कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेगा। चल अभी सुमो, पता नहीं ये राइट है या रॉन्ग, पर आज मैंने डिसाइड कर लिया है, तुमसे कहकर ही रहूंगा। अगर तुम्हें बुरा लगे, गुस्सा आए या फिर मना करना हो तो सीधे आकर कहना, प्लीज फ्रेंडशिप मत तोड़ना। पापा के इतने कहने पर भी मैंने पिछले 2 साल से लंदन पढ़ने के लिए मना कर दिया, बस तुम्हारी वजह से। इनफैक्ट मैंने डिसाइड कर लिया है कि स्कूल के बाद तुम जो भी पढ़ाई करना चाहो, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगी, मैं भी उसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हो सके तो हमेशा। पता नहीं, इज दिस लव? प्लीज बताना कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है या नहीं। लाइब्रेरी में तुम्हारे लिए एक जरूरी मैसेज रखा है, 2:11 AM में। वो लाइब्रेरी में एक इम्पोर्टेंट मैसेज रखा था, वो पढ़ा? पढ़ा? ऐसे कैसे लिख दिया तूने? मतलब दिल में आया इसलिए लिख दिया। सॉरी। कितना डरपोक है यार तू। मैं लाइब्रेरी गई नहीं, भूल गई यार। अभी सैटरडे संडे स्कूल बंद, मंडे पढ़ लूंगी ना। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे ऐसे कौन से खजाने का राज छुपाया तूने, और वैसे भी इतनी मोटी किताबें तो स्कूल की टीचर्स भी नहीं पढ़ती। तुम्हारा ये एक शब्द मेरे गांव नहीं बढ़ सकता सुमन, तुम तो मेरे गुस्से के भी काबिल नहीं है। तुम्हारा मेरी जिंदगी में अब कोई वजूद नहीं। यू मीन नथिंग टू मी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.